जिंदगी में कोई भी काम करते हो उसको पूरे मेहनत से करो, लोगों के बारे में बिल्कुल मत सोचो वो आपके बारे में क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि लोगों का काम क्या है, आपको भाड़ में भेजने का, आप अच्छा करेंगे या खराब करेंगे आपकी वो बुराई करेंगे, ये एक सच्चाई है जीवन का बहुत बड़ा। तो लोगों के बारे में पहले सोचना बंद करो, आपको जो भी करना है करो लेकिन पूरे मेहनत के साथ, ताकि वो काम आप कंप्लीट कर पाओ। और क्लास को स्टार्ट करूंगा, और ये क्लास डेली सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और एक बात, आप हमारे एप्लीकेशन जो आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा सक्सेस की 98 के नाम से, इसको डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर जो है किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। और एक बात, अगर वहां से 349 वाला पैकेज बाय करते हैं तो आने वाले एक साल तक यानी एक साल के वैलिडिटी तक आपको कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट दोबारा नहीं खरीदना पड़ेगा। एक साल तक आपको हर एक एग्जाम का 20 से 25 सेट दिया जाएगा, ताकि एग्जाम से पहले आप अपनी तैयारी को जांच पाए। और आज कवर करेंगे हम सभी 8 मई के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ। पहला प्रश्न है हमारे सामने, फूड क्राइसिस 2020 पर जो है वो ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कितने लोग इस धरती पर ऐसे हैं जिनको खाद्य संकट में रहे हैं। और ये अप्रैल के डाटा के अनुसार यानी अप्रैल महीने में ना 135 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको खाने की कमी है। 135 मिलियन को सरल भाषा में अगर समझाया जाए तो आप सभी बोल सकते हो 13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खाने की कमी है, फूड क्राइसिस 2020 के ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल के महीने में। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा भूखमरी जो है वो बढ़ चुका है COVID-19 यानी कोरोना वायरस पैंडेमिक यानी महामारी की वजह से। ये डाटा याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में रूस यानी रसिया के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से किसे सम्मानित किया गया है, और उनका नाम क्या है, किम जोंग उन, ऑप्शन नंबर आपका बी। और बात चला है रसिया के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है तो रसिया के कैपिटल क्या है, तो वो है आपका मॉस्को। और रसिया में मुद्रा यानी करेंसी क्या इस्तेमाल करते हैं, रशियन रबल। और राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन, ये आप सभी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, कर्नाटका ने राहत पैकेज जो है वो घोषणा कर दी है COVID-19 से लड़ने के लिए अपने राज्य में। कहने का मतलब है कर्नाटक ने फूल उत्पादकों बुनकरों नाइयों ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए नए राहत पैकेज की घोषणा की है। पैकेज के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, कितना राशि एलोकेट किया गया है, तो वो राशि है आपका 1610 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया गया है कर्नाटका राज्य सरकार के द्वारा। और कर्नाटका के सीएम कौन है, बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल वजूभाई वाला, और कैपिटल तो वो है आपका बेंगलुरु। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्र ट्रेड यूनियन ने मांग की है कि जरूरतमंदों परिवार के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मासिक नगद सहायता कितनी होनी चाहिए। अब यहां पर आप एक बात समझ लेना, COVID-19 में आप सभी को पता है जो गरीब वर्ग है वो बहुत ज्यादा जूझ रहा है इस महामारी COVID-19 से। तो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने यानी केंद्र ट्रेड यूनियन ने सेंट्रल से केंद्र सरकार से यह मांग की है कि प्रति परिवार को 7,500 रुपए जो है वो देने चाहिए, ताकि उन पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो कितना राशि हर परिवार के लिए, 7,500 रुपए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, कौन सा राज्य सरकार ने 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। आप सभी को पता है लॉकडाउन 3.0 में अभी हम सभी हैं, और ये कब तक चलेगा, 17 मई तक। लेकिन इससे ऊपर एक कदम उठकर तेलंगाना राज्य सरकार ने यह बोल दिया है कि अब हमारे राज्य में 29 मई तक जो है वो लॉकडाउन रहने वाला है। और साथ साथ ये भी बोला है शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक उस राज्य में कर्फ्यू लगा रहेगा, ठीक है। तो यह घोषणा किसने की है कि 29 मई तक जो है वो लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दिया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा, तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। तेलंगाना के कैपिटल क्या है, हैदराबाद।
वहां के राज्यपाल तमिल साई साउंडर राजन वहां के राज्यपाल हैं। अगर मुख्यमंत्री की बात करें के चंद्रशेखर राव। अगला प्रश्न हमारे सामने, कवच, आयुष कवच एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा, ये आप सभी को बताना है। और इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा। यह एप्लीकेशन जो विकसित किया गया है, लॉन्च किया गया है, वह किया गया है आपका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। इस एप्लीकेशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग हैं वहां के लोगों को यह बताया जाएगा कि अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कैसे किया जाए, टिप्स दिया जाएगा। आयुष के द्वारा क्या क्या जानकारी दी जाती है ताकि लोग अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर पाए, वो हर एक जानकारी इस एप्लीकेशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग हैं उनको हर एक जानकारी मिल पाए। और तो अगर एग्जाम में आप सभी से पूछे आयुष कवच एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया था तो आप क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अगर एग्जाम में पूछ दे आयुष कवच ऐप ये एप्लीकेशन किस लिए लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, तो आप क्या बोलेंगे, ह्यूमन सिस्टम को बढ़ाने के लिए, हर एक लोग को उस राज्य की जानकारी देने के लिए, टिप्स देने के लिए कि आप क्या क्या चीज फॉलो करें, आपको क्या क्या चीज करना चाहिए, क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, हर एक जानकारी यहां पर जो है वो साझा किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है आपका गुजरात का, और कैपिटल तो वो है आपका लखनऊ। और मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जो है वहां के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है जो अभी केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। तो जिनका भी बिजनेस है या जो भी जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, अगर उन्होंने 18 और 19 का जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो 30 सितंबर तक जो है वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, ये क्वेश्चन लिख कर ले लो आप मुझसे, हाई कोर्ट के पेपर पर लिख कर ले लो, सुप्रीम कोर्ट के पेपर में आपके आने वाले हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, एक शिफ्ट में तो एक शिफ्ट क्या ज्यादा शिफ्ट में ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ईरान का नया मुद्रा का नाम क्या है। आप सभी को पता है, इतने दिन से आप सभी को पढ़ा रहे हैं कि ईरान का जो मुद्रा था वो क्या था, ईरानियन रियल, RIAL, यानी ईरान का पहले जो मुद्रा था वो था आपका ईरानियन रियल, लेकिन इसको अभी हटा दिया गया है। एक वोटिंग हुआ और उस वोटिंग के माध्यम से जो है उसमें नया मुद्रा चुन लिया गया है ईरान का, और वो क्या है, तो नया मुद्रा, नया करेंसी ईरान का है जो है वो है आपका टोमन, ऑप्शन नंबर सी। गांठ बांध लेना, याद कर लेना, रग रग में शामिल कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और आज का आपका पहला प्रश्न इसी क्वेश्चन से निकल कर आ रहा है कि ईरान का राष्ट्रपति का नाम और ईरान का राजधानी का नाम, ये दो चीज आपको कमेंट कर बताना है, यह आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 7 मई यानी कल 2020 को निम्नलिखित शहरों में से किसने भीषण गैस त्रासदी देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी अगर कल सुबह अगर न्यूज खोले होंगे तो आपने देखा होगा विशाखापट्टनम में एक पॉलीमर एक कंपनी में गैस लीक हो गया था और 8 लोग मर चुके हैं। और आपने अगर फोटो देखा होगा, वीडियो देखा होगा, तो उस गैस के निकलने के बाद बहुत सारा पेड़ पौधा भी क्या हो रहा था, मुरझा जा रहा था उस गैस के कॉन्टेक्ट में आने के बाद ही। और 5,000 लोग जो है वो क्या है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, 8 लोगों की तो स्टेंट यानी संग मृत्यु हो गई थी इस गैस के लीक होने के बाद। और ये गैस कहां पर लीक हुआ था, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहां पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, YS जगन मोहन रेड्डी। और इन्होंने इसके बाद घोषणा की है कि जिनका भी मृत्यु हो गया है या जिनका भी मृत्यु होगा इसके वजह से, हर एक परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी, जो बहुत बड़ी रकम है। 1 करोड़ की सहायता दी जाएगी अगर जिनका भी
मृत्यु हो जाता है तो। और आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती, राज्यपाल कौन है वहां का, तो बिश्वभूषण हरिश्चंद, ठीक है हरिश्चंदन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य सरकार ने 30 जून तक कारखाने श्रमिकों के लिए 12 घंटे की शिफ्ट की अनुमति दे दी है। आप सभी को पता है अभी कोविड-19 पैंडेमिक यानी कोरोना वायरस महामारी तो फैला ही फैला हुआ है, लेकिन इतने दिन लॉकडाउन करने के बाद भी अब हर सरकार, केंद्र सरकार बोलो या राज्य सरकार, ये भी सोच रही है कि कहीं अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट ना हो जाए। इसको नजर में अब इसको भी तो खड़ा करना पड़ेगा। आपको अंदाजा नहीं है लॉकडाउन ओपन होने के बाद कितना जॉब जाएगा इंडिया में, अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो ये सब देखते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने बोला है कि महाराष्ट्र में जो है वो 12 घंटे तक शिफ्ट चल सकता है वर्करों के लिए, ताकि अर्थव्यवस्था को जिंदा रखा जा सके। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई, वहां के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे, और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राष्ट्र ने शराब पर आधारित हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो यह भारत ने बैन लगाया है, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे भारत में अभी सैनिटाइजर का जो अल्कोहल वेस्ट है जिसमें 70% अल्कोहल रहता है उस पर जो है वो कितना डिमांड बढ़ चुका है। इस डिमांड को देखते हुए केंद्र सरकार ने बोला है अब केंद्र सरकार जो है इसका निर्यात नहीं करेगी, क्योंकि अगर निर्यात करने लगे और कहीं ऐसा लगा एक समय कि हमारे भारत में ही लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो ये अलग से एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसीलिए हैंड जो सैनिटाइजर है उस पर बैन लगा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आप सभी को पता है 2020 में नाम क्या दिया गया है, वैसाख पूर्णिमा का दिन कब मनाया गया, बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं, तो कल मनाया गया था 7 मई को, ऑप्शन नंबर आपका ए। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 8 मई का। सो मेरे जितने भी भाई बहन है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने माता और पिता दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। सो क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा आप सभी। डेली सुबह में 4:30 बजे करंट अफेयर चलता है, इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया, टेलीग्राम से आप सभी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है सक्सेस की 98। आप सर्च मारेंगे टेलीग्राम में तो हमारा ग्रुप मिल जाएगा जहां पर 42,000 के लगभग वहां पर स्टूडेंट अभी भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो एवरीवन थैंक यू, अपना ख्याल रखना और अपने साथ साथ हमेशा की तरह अपने मम्मी और पापा का भी, ठीक है। चलिए।